गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। हैव यू एवर नोटिस दैट व्हाई डू यू आई आस्क एवरी टाइम व्हेन एवर आई टॉक टू यू? सो इन द बिगनिंग आई ऑलवेज आस्क हाउ आर यू, बिकॉज वी ह्यूमन आर सोशल बींग। आपको पता है ना, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं और हम लोग सोशल बींग्स हैं। एंड हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एंड सोसाइटी मीन्स कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे रिलेटिव्स हैं, एंड नेबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। सो टुगेदर वी मेक अ सोसाइटी। तो अब सोसाइटी में रहने के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो व्हाट आर दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस? दैट वी हैव टू बी अ गुड, अ वेल मैनर्ड पर्सन। ठीक, वेल मैनर्ड पर्सन क्या होते हैं? जो मिलते हैं तो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। ग्रीट करना बोले तो आपसे जो बड़े हैं उनको आप नमस्कार करते हो, उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करते हो, और जो छोटे और छोटे जैसे बच्चे हैं जो आप ही के बराबर के, उनके आप हेलो भी करते हो। सो ऑल दीज आर द ग्रीटिंग मेथड्स। और क्या है, और हमारे यहाँ हमारी कल्चर में जो बॉयज हैं वो अपने से बड़ों के पैर भी छूते हैं। सो दैट इज अनदर वे टू गिव रेस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। और जब हम पैर छूते हैं तो हमें बच्चों बड़ों से आशीर्वाद मिलता है, बहुत अच्छा सा आशीर्वाद मिलता है। सो वी शुड डू दीज थिंग्स। अब क्या है, जितने भी गुड मैनर्ड, जो वेल मैनर्ड पर्सन है उसको सब पसंद करते हैं, है ना। अब मेरे सामने कोई इल मैनर्ड पर्सन बच्चा आएगा और मुझसे बात ही नहीं करेगा, उसने मुझसे कुछ गुड मॉर्निंग नहीं किया, विल आई लाइक दैट चिल्ड्रन, विल आई लाइक दैट चाइल्ड? नो, डेफिनेटली नोट। मुझे तो एक इल मैनर्ड बच्चा पसंद ही नहीं है ना। नो वन लाइक अ इल मैनर्ड चाइल्ड। तो आपको हमेशा वेल मैनर्ड बनना है। हाँ, जब आपने ग्रीटिंग ग्रीट कर लिया अपने से एल्डर्स को या अपने फ्रेंड्स को, द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आस्क हाउ आर यू, ओके, एंड द अदर पर्सन विल रिप्लाई आई एम फाइन। सो व्हाई डू वी आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ आर यू? सो दिस क्वेश्चन हाउ आर यू गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस बोले तो हमको जो है हम एक दूसरे के केयर करते हैं। सो व्हेन आई आस्क यू चिल्ड्रन हाउ आर यू, इट मींस दैट आई केयर फॉर यू। एंड व्हेन यू आस्क मी मैम हाउ आर यू, इट मींस कि आपको मैम की परवाह है, आप मैम को मैम के लिए चिंता करते हो कि मैम आप कैसे हो। ठीक है, सो दिस वे वी ऑलवेज टेक केयर फॉर ईच अदर। सो नाउ ऑनवर्ड्स जो बच्चे पूछते हैं मिलने के समय एक दूसरे से, अच्छी बात है। और नहीं आप अब तक पूछते हो, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आज से ही आपको ये काम करना है। ठीक है, चलो। अभी आपने देखा कि मैं यहाँ पर कुछ सामान को देख रही हूँ, है ना, यू नो। चलो मैं पूछती हूँ आपसे क्या क्या है। व्हाट इज दिस? अ मार्कर पेन, अ ब्लैक मार्कर पेन। दिस इज अनदर रेड मार्कर पेन, ओके। दिस इज अ पिकल जार, दिस इज अ स्मॉल पिकल जार, एंड दिस इज माय फेवरेट टू, बिकॉज ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स आई लाइक, ऑल दीज थिंग्स लुक सो क्यूट। दिस इज अ गिफ्ट कैंडल, बेसिकली अ डेकोरेटिव कैंडल, और इसको मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। एंड यू नो गिफ्ट इज ऑल्सो अ मैनर जिसमें हम अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को एक अपनी बिलोंगिंग्स दिखाते हैं ना। तो दिस इज ऑल्सो ए गुड थिंग कि हम गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं। दिस इज अ डेकोरेटिव कैंडल। व्हाट इज दिस? अ प्लांट। यू नो आई हैव प्लेंटी ऑफ प्लांट्स इन माय होम, और हम सबको अपने घरों में प्लांट्स जरूर लगाना चाहिए। जिनके पास जमीन है या जिनके पास खुला प्लेस है, स्पेस है, तो वो उसमें लगा सकते हैं। किचन गार्डन होता है कुछ लोगों के पास, है ना। और किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, हैंगिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। बट वी शुड कीप प्लांट्स इन आवर होम बिकॉज ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे एनवायरमेंट को प्योरीफाई करते हैं, ओके। सो दैट इज अनदर थिंग जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई। बट दिस इज अ प्लांट, दिस। सो हैव यू नोटिस दैट ईच एंड एवरी टाइम आई एम यूजिंग अ वर्ड, व्हाट इज द कॉमन वर्ड विच आई एम यूजिंग? दिस।
ओके सो दिस अभी दिस के साथ एक और वर्ड आता है रिमेंबर रिमेंबर कुछ दैट दैट अब वो दैट कहां यूज होगा दिस कहां यूज होगा सो दिस इज अ ब्लैक मार्कर पेन बिकॉज मैं एवरी टाइम आई एम यूजिंग दिस दिस इज बिकॉज दीज थिंग्स आर नियर टू मी ये मेरे पास है ओके सो दिस इज अ ब्लैक मार्कर पेन मगर अब मैं इसको अपने से दूर रखूंगी तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस व्हाट विल आई से दैट इज अ ब्लैक मार्कर पेन ओके दिस इज अ रेड मार्कर पेन बिकॉज इट इज नियर टू मी एंड दैट इज अ ब्लैक मार्कर पेन बिकॉज इट इज फार फ्रॉम मी दिस इज अ पिकल जार एंड दैट इज द अनदर पिकल जार बिकॉज दैट इज फार सेम वे दिस इज अ प्लांट बिकॉज इट इज नियर टू मी एंड दैट इज अनदर प्लांट Why I am using that? Because it is far from me. It is near to me. That is far to me. Okay? So the things which are near to us, we use this. And the thing which is far from us, we use that. तो अभी आपने this and that का use अच्छे से सीख लिया है? I hope. बिल्कुल सीख लिया होगा. आप लोग I know you are enough. You are smart enough. हाँ. अभी आपका homework क्या है? I will give you a sheet. And you have to write this and that. You have to understand the concept and you have to write this and that. And instead, uske alawa bhi aapko, besides this thing, what you have to do, aapko apne ghar mein bhi ab ye use karna hai, theek hai na? Bahut sare objects honge aapke ghar mein. So you have to use them in sentence. Aapko bahut sare cheeze simultaneously karni hai. Reading bhi karni hai, writing bhi karni hai and conversation also. ठीक है रीडिंग आप लिख रहे हो कर्सिव राइटिंग आप लिखते हो एंड राइटिंग आप कर्सिव राइटिंग लिखते हो रीडिंग में आप उनको आपने फैमिलीज एट फैमिली एंड फैमिली ये सब पढ़ना भी शुरू कर दिया है और अब हम कन्वर्सेशन भी स्टार्ट करेंगे ठीक है ना सो तीनों चीज एक किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग राइटिंग एंड कन्वर्सेशन ठीक है सो नाउ यू प्रैक्टिस इट डू योर होमवर्क एंड रिवर्ट मी Stay healthy, obey your parents, and do your work regularly and remain in discipline. Take care. Bye-bye.